हेलो बच्चों, हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें पिछले 19 सालों के नीट जी मेंस AIPMT AIEEE के क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसका आज लास्ट पार्ट पार्ट 4 हम करेंगे। इसका क्वेश्चन है, फर्स्ट दी context of the lanthanoid which of the following statement is not correct। देखिए, इस तरह के questions थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ा करें। not correct means incorrect। first, there is a gradual decreases in the radii of the members with increasing atomic number in the series। सीरीज़ में अपन ने देखा था कि ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा था Al(a)(2)Lu, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अपने को क्या पता करना है, इनकरेक्ट। ऑल द मेंबर एग्जिबिट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल सही है। बिकॉज ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज द सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड इज़ नॉट ईजी, बिल्कुल ठीक है। इनमें इनके जो साइज़ होते हैं इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हमने पढ़ा था इनमें जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वो 0.09 एंगस्ट्रॉम इतना ही कम हो पाता है कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका मतलब इनके साइज़ क्या होते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। अब जब साइज़ ऑलमोस्ट इक्वल होंगे तो उनको सेपरेट करने में दिक्कत आती है। तो अभी तक तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। फोर्थ देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स इन +4 स्टेट फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ द सीरीज, ये इनकरेक्ट लग रहा है। क्योंकि 4F इलेक्ट्रॉन तो सभी मेंबर में अवेलेबल तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब में हो, क्योंकि किसी में हाफ फील्ड भी है, किसी में फुल फील्ड भी है। ठीक है, तो ये आपके इसका आंसर हो गया नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ LU इज, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपके, हमने जो पढ़ा था LU लास्ट वाला है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 24, आयरन एग्जिबिट +2 and +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी Fe2+ and Fe3+, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आयरन इज इनकरेक्ट। फेरस ऑक्साइड इज मोर बेसिक इन नेचर देन द फेरिक ऑक्साइड। देखिए, फेरस एंड फेरिक, फेरस ऑक्साइड तो होता है FeO और फेरिक ऑक्साइड होता है Fe2O3। इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है और इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 होता है। तो जिनमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, इसलिए ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट, फेरस कंपाउंड्स आर रिलेटिवली मोर आयोनिक देन कॉरस्पॉन्डिंग फेरिक कंपाउंड। देखिए, Fe2+ और Fe3+, तो जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है वो तो होते हैं आयोनिक। ठीक है, और जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होता है वो क्या होते हैं, कोवेलेंट। ठीक है,
तो ये स्टेटमेंट भी अपने करेक्ट है। नंबर थर्ड, फेरस कंपाउंड आर लेस वॉलेटाइल देन द कॉरस्पॉन्डिंग फेरिक कंपाउंड, ये भी करेक्ट है। वॉलेटाइल नेचर के बेस पर है, ठीक है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है वो लेस वॉलेटाइल होते हैं। नेक्स्ट, अब जब तीनों सही है तो चौथा मेरे ख्याल से गलत होना चाहिए। फेरस कंपाउंड आर मोर इजीली हाइड्रोलाइज्ड देन द कॉरस्पॉन्डिंग फेरिक कंपाउंड, फेरस कंपाउंड आर मोर इजीली हाइड्रोलाइज्ड देन कॉरस्पॉन्डिंग फेरिक कंपाउंड, यानी कि ये बोल रहा है कि Fe2+ जो है वो इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक आपको ध्यान रखना है कि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, यानी किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा तो वो इजीली हाइड्रोलाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट फेरिक का ज़्यादा होता है, इसलिए ये आपके क्या हो गया, रॉन्ग है, और ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी स्टेटेड अगेंस्ट इट, यानी कि ये बता रहा है कि इन आयन का जो सीरीज है उनके सामने ये प्रॉपर्टी दे रखी है वो सही मैच कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, स्टेटेड का मतलब है इनके सामने जो प्रॉपर्टी दे रखी है। ठीक है, तो फर्स्ट जैसे ये दे रखा है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है अपन निकालते हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के बेस पर। Fe2+ कंडीशन में अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे 4, Mn2+ में होंगे आपके 5, ठीक है, और Cr2+ कंडीशन में होंगे आपके 4, और V2+ कंडीशन में होंगे 3। तो ये ऑर्डर जो है आपके करेक्ट नहीं है, यहाँ पर आपके Mn पहले आना चाहिए क्योंकि Mn में क्या है, 5 है, तो ये आपके करेक्ट ऑर्डर नहीं है। आयनिक साइज लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट में क्या आता है, अपने पास बताया था स्टार टीवी कर मन फिकर कोनी, ठीक है, तो अब सबसे राइट में कौन है, राइट में आपके आ गया निकल, निकल के बाद क्या कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद आयरन, आयरन के बाद क्या है मैग्नीज। तो साइज जो है निकल का सबसे छोटा होना चाहिए क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो साइज़ क्या होगा, साइज़ डिक्रीज होगा। इसके अकॉर्डिंग जो है सबसे छोटा कौन होना चाहिए, निकल, फिर कोबाल्ट, फिर Fe, और फिर Mn, यानी कि Mn सबसे बड़ा होना चाहिए। तो ये तो आपके करेक्ट हो गया। देन स्टेबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन में आप देखिए CO, Fe, Cr एंड Sc3+, तो आप इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो स्कैंडियम में आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। देखिए स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है S2D1 होता है, तो स्कैंडियम में क्या हो गया 0, 3+ कंडीशन में। क्रोमियम में आप 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, Fe3+ कंडीशन में आप 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे
तो यहाँ आपका आ जाएगा 5, और कोबाल्ट 3 प्लस कंडीशन में आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो क्या आ जाएगा 4। ठीक है, कोबाल्ट का कितना होता है 4s2 3d7, तो 3d7 यानी कि s में से 2 इलेक्ट्रॉन गए और d7 में से 1 गए, तो d6 कंडीशन में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4 होते हैं। तो यह हमने देखा कि स्कैंडियम में से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद ये स्टेबल इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए फोर्थ ऑप्शन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो ये तो अपने को ध्यान है कि MN की सबसे ज़्यादा होती है, फिर CR, फिर TI और फिर स्कैंडियम। तो कुल मिलाकर के इसमें जो क्वेश्चन है उसमें था कि डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर, तो अपने पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, नंबर फर्स्ट होना चाहिए, यस। नेक्स्ट 26, 4 सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर लिस्टेड बिलो विथ एटॉमिक नंबर्स, विच वन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाइएस्ट ई नॉड m3+/m2+, यानी कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये आपको एक ट्रिक बताई थी, वापस बता देता हूँ, एक ट्रिक थी लेके बेटा काना मंगल मंजन करे फिकर कोनी सुन प्रभु हरे चप्पा चप्पा चरखा चले, यानी CU HG AG PT और AU। तो अब देखिए कि यहाँ पर कौन कौन सी मेटल्स हैं, CR, ये अपने CR आ गया, फिर MN, ये MN, फिर FE, ये FE, और लास्ट में क्या आया, कोबाल्ट। तो अप टू डाउन आते हैं तो वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो जब हम इधर से इधर चलेंगे तो क्या होगी, वैल्यू इंक्रीज होगी। तो सबसे ज़्यादा किसका है, ये क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है, वापस देखिए क्वेश्चन, यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं अपन। 4 सक्सेसिव मेंबर ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट आर लिस्टेड बिलो विथ एटॉमिक नंबर्स, विच वन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड हैवी हाइएस्ट, तो हाइएस्ट अपने पास क्या आ रहा था, कोबाल्ट आ रहा था, तो इसका आंसर हो गया ये कोबाल्ट। नेक्स्ट नंबर 27, ये आपके और कुछ रिएक्शंस दे रखी है, ये रिएक्शंस जो है आपको आपकी बुक में भी मिल जाएगी। तो इनमें क्या है, देखिए नंबर फर्स्ट, Fe जो है वो FeSO4 में कन्वर्ट हो रहा है डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यह Fe0 से किस में आ रहा है, +2 कंडीशन में, और फिर H2SO4 और O2 की प्रेजेंस में ये फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो फेरस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, फेरिक सल्फेट में। तो जब फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर ये कौन सी कंडीशन में आ गया है, आपके +3 कंडीशन में। ठीक है, और जब इसको हीट करते हैं तो ये आपके किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe में। तो यहाँ जो है ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और लास्ट में हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर
ये जब फेरिक सल्फेट को हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट होना चाहिए आपके फेरिक ऑक्साइड में और SO2 गैस में, इसलिए रिएक्शन हो गई रॉन्ग। सेकंड वाली देखते हैं, Fe से FeO में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीडेशन हो रहा है, फिर FeO से फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है H2SO4 की उपस्थिति में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फेरस सल्फेट को भी जो है यहाँ पर भी हीट कर रहे हैं, तो ये किस में कन्वर्ट होना चाहिए आपके, इसके ऑक्साइड में कन्वर्ट होना चाहिए और साथ में SO2 या SO3 गैस देना चाहिए। तो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन दोनों रॉन्ग हो गई है। नंबर 3 देखते हैं, Fe की रिएक्शन Cl2 के साथ करवाते हैं हीट दे करके, तो ये कन्वर्ट हो रहा है फेरिक क्लोराइड में, और फेरिक क्लोराइड को एयर की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होना चाहिए। देखिए Fe Cl3 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर है +3 और यहाँ है +2, तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो इस तरह से ये नंबर 3 भी आपके रॉन्ग है। नंबर 4 देखते हैं, O2 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हुआ फेरिक ऑक्साइड। अब यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड दे रखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। मेटलर्जी वाले चैप्टर में अपन ने देखा था, वहाँ स्पंजी आयरन वगैरह भी अपन उसमें रिएक्शन में से अपन प्राप्त करते हैं, तो यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड जो है वो फेरस ऑक्साइड में रिड्यूस हो रहा है, और फेरस ऑक्साइड यानी 2+ से यहाँ Fe के अंदर रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पर भी कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए आपके ये रिएक्शन में मतलब करेक्ट रिएक्शन है ये। आंसर क्या होगा, 4। चलिए नेक्स्ट 28, द इक्वेशन विच इज बैलेंस्ड एंड रिप्रेजेंट द करेक्ट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स इज। देखिए फर्स्ट Li2O रिएक्ट विथ 2KCl एंड गिव्स 2LiCl+K2O। तो यहाँ पर ये आपके जो स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट रिड्यूसिंग जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो सीरीज थी, ठीक है, जिसमें था लेके बेटा काना मंगल, ठीक है, तो इसमें देखिए कि जो अपर साइड में है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो यहाँ पर देखिए Li2O और K2O, KCl और LiCl, यहाँ पर लिथियम ज़्यादा रिएक्टिव है और यहाँ K जो है वो रिप्लेस कर रहा है, यहाँ पर K रिप्लेस नहीं कर सकता, Li रिप्लेस कर सकता है पहली चीज़ तो, ठीक है, और ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं होकर के बैकवर्ड होगी, ठीक है, इसलिए ये रॉन्ग है। नेक्स्ट, पेंटामीन क्लोराइडो कोबाल्ट सेकेंड आयन रिएक्ट विथ प्रोटॉन, प्रोटॉन से रिएक्ट करेगा और किस में कन्वर्ट होगा, CO2+ में, और क्या देगा, 5 mol ऑफ अमोनियम आयन एंड 1 क्लोराइड आयन। यहाँ देखते हैं कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ हो गया है +2 और यहाँ पर भी क्या है +2, ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए ये दे रहा है अमोनियम, तो जब हाईली एसिडिक है और यहाँ प्रोटॉन है और यहाँ अमोनिया है, तो अमोनिया एक लेविस क्या है, बेस है, इसलिए प्रोटॉन लेगा, प्रोटॉन लेकर के किस में कन्वर्ट होगा, अमोनियम आयन में, ठीक है, तो ये रिएक्शन थोड़ी ज़्यादा
सही लग रही है। नंबर थ्री देखें, Mg H2O6 2+, यानी Mg यहाँ कौन सी कंडीशन में 2+ में, और यहाँ पर Mg कौन सी कंडीशन में है, 4 तो इसके हो गए और 2 इसके हो गए, यानी +6 कंडीशन में है। तो +2 और +6, मैग्नीशियम जो है वो सेकंड ए ग्रुप का है, और जो सेकंड ए ग्रुप का होता है तो सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होता है, +2। इतने इसके पास इलेक्ट्रॉन है भी नहीं कि वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सके, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, और ये भी रॉन्ग हो गया, ये अपने को अभी थोड़ा सही लग रहा था, तो अभी इसको वेटिंग में रखते हैं। नंबर फोर, कॉपर सल्फेट यहाँ कॉपर 2+ कंडीशन में है, KCN से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर ये जो है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, K2CuCN4। तो यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 4-2, यहाँ पर भी +2 और K2SO4। देखिए KCN जो होता है, KCN वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये कॉपर को जब रिड्यूस करेगा तो यहाँ पर कॉपर +2 से +1 कंडीशन में आना चाहिए, जबकि इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। इसलिए 3 तो बिल्कुल ही गलत है, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो मेरे हिसाब से ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द कलर ऑफ केविनोफोर इज ड्यू टू, देखिए केविनोफोर 12th क्लास में एक टाइटेशन होती है, केविनोफोर फेरस सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट, ये केविनोफोर सेल्फ इंडिकेटर भी है, लाल दवा भी बोलते हैं, पर्पल कलर का होता है, बैंगनी कलर का होता है, तो केविनोफोर का कलर की बड़ी विचित्र कथा है। जैसे केविनोफोर में MN का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +7। ठीक है, और MN का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 4s2 3d5, लेकिन ये 7 कंडीशन में है, तो MN 7+ कंडीशन में ये हो जाएगा 4s0 और 3d0। अब देखिए यहाँ पर इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और डीडी ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग किसी में अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएगा, और वहाँ से विजिबल जोन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तभी वो कलर्ड अपने को दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि वो कलर्ड होगा, रंगीन होगा। अब इस कंडीशन में केविनोफोर +7 कंडीशन में इसके पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि सारे ही ऑर्बिटल क्या हो गए, वैकेंट हो गए। तो अब डीडी ट्रांजिशन क्या है, कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कलरलेस होना चाहिए, जबकि हम तो पूरे टाइम प्रैक्टिकल में देखते हैं ब्यूरेट में यही कलर भरा हुआ होता है, थोड़ा टाइम पड़ा रह जाए तो बेचारा ब्यूरेट भी पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, तो अब फिर बात आती है कि इसका कलर पर्पल क्यों होता है, तो इसका मेन रीज़न क्या है। देखिए MnO4- आयन कंडीशन में आ गया, तो यहाँ पर अभी अपन ने देखा Mn के पास वैकेंट क्या होती है, डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से, और ऑक्सीजन इसके पास है, और ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये क्या करता है, लिगेंड का वर्क करता है, और ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल में से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लिगेंड टू मेटल
चार्ज जा रहा है, तो इसको बोलते हैं चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा, CTS। चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा जो है वो दो तरह का होता है, एक तो मेटल टू लिगेंड और एक लिगेंड टू मेटल। तो अभी हमने यहाँ पर देखा यहाँ कौन सा हो रहा है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। यहाँ एक और अच्छी बात यह है, कभी ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डीडी ट्रांजिशन से जो कलर हैं वो ज़्यादा डार्क होंगे, गहरे होंगे, या चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा वाले ज़्यादा गहरे या डार्क होंगे, तो आपको जो है आंसर देना है चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा से जो कलर होंगे वो ज़्यादा डार्क या गहरे होंगे, पक्के कलर होंगे। इनका कलर भी यही है कि चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा में भी क्या है कि ये विजिबल जोन से ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, विबगी और जो होते हैं बेनिया है पिनाला, और फिर वहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री कलर के अकॉर्डिंग वो दे देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर का भी मैं तुमको बता देता हूँ, इसकी भी एक ट्रिक है, विवेक भारद्वाज राम गोपाल दोनों दोस्त हैं इसलिए एक दूसरे को बोलते हैं ओए, ठीक है, बस ये इनका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। ये रेड खाएगा तो कैसा दिखेगा, ग्रीन, ग्रीन खाएगा तो कैसा दिखेगा रेड, वॉयलेट खाएगा तो कैसा दिखेगा येलो, और येलो खाएगा तो कैसा दिखेगा वॉयलेट, ब्लू खाएगा तो कैसा दिखेगा ऑरेंज, और ऑरेंज खाएगा तो कैसा दिखेगा ब्लू, खाएगा मीन्स एब्जॉर्ब करेगा और दिखेगा मतलब एमिट करेगा। सपोज़ रेड एब्जॉर्ब कर रहा है तो एमिट कौन सा करेगा, ग्रीन, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि आपके स्वेटर का कलर ग्रीन है तो उसने कौन सा कलर खाया होगा, कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया होगा, वो क्या होगा रेड, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 29 के बाद 30, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मेटेलिक एंड फेरोमैग्नेटिक। देखिए मेटेलिक एंड फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, एक तो Fe होता है, एक CO होता है और एक Ni होता है, ठीक है, और एक CrO2 होता है। CrO2 पुराने टाइम में टेप रिकॉर्डर की टेप जो चलती थी उसमें एक पतली सी लंबी सी रील होती थी, ठीक है, कभी याद हो या अपने पेरेंट्स से पूछना कि आजकल तो क्या है कि पेन ड्राइव वगैरह ये आते हैं, CD भी है, पुराना हो गया, उससे पहले एक टेप आती थी उसमें एक रोल आता था वो चलता रहता था, और वो जो पतली फिल्म होती है वो एक मैग्नेट की वजह से एक हेड आता था उसके ऊपर चिपक जाती थी और फिर वो गाना हमको सुनाई देता था। कई बार वो हेड गर्म हो जाता था तो वो गाना भी अजीब तरह का म्यूज़िक देने लग जाता था। तो वो टेप जो होती है वो CrO2 की बनी होती है, और ये क्या होता है कि मेटेलिक भी होता है और फेरोमैग्नेटिक भी होता है। तो ये चार चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है फेरोमैग्नेटिज्म में, FeCO, Ni और CrO2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, CrO2, ठीक है। नेक्स्ट 31, गिवन, ये सभी के जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, Cl2Cl 13.6, Cr3+Cr इज इक्वल टू -0.74 वोल्ट, देन E0 ऑफ Cr2 7 2-, किस में कन्वर्ट हो रहा है Cr3+ में, इसका वैल्यू दे रखा 1.33, और MnO4 कन्वर्ट हो रहा है Mn2- में 1.51। ये इनके सबके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आ रहा है, तो आप देखिए रिड्यूसिंग कहाँ होता है, जो इस सीरीज़ में अपर साइड में होता है, तो
तो जो अपर साइड में होगा तो आप देखिए कि इसमें वैल्यू क्या होगी, स्टैंडर्ड पोटेंशियल की है वैल्यू, तो ये नेगेटिव में होगी, और जो नेगेटिव में होता है वो रिड्यूसिंग होता है। तो अब आप देखिए इनके अंदर नेगेटिव वैल्यू किसकी है, सीआर वाले में नेगेटिव आ रहा है, बाकी सब में पॉजिटिव है। तो इसका आपके सही आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमियम। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 32, द फॉलोइंग रिएक्शंस, दो रिएक्शन दे रखी है, ZNO इज रेस्पेक्टिवली एक्टिंग एज ए ऑब्लिक एन बेस एंड बेस, एसिड एंड एसिड, एसिड एंड बेस, बेस एज एसिड, यानी कि इसके अंदर ये एसिड के जैसे बिहेव कर रहा है, या बेस की जैसे, या यहाँ पर बेस की जैसे बिहेव कर रहा है, या एसिड के जैसे। तो अपने को ध्यान है कि जिंक जो होता है वो क्या होता है, एम्फोटिक होता है, उभयधर्मी होता है, यानी ये एसिड की जैसे भी बिहेव करेगा और बेस की जैसे भी बिहेव करेगा। तो यहाँ देखिए ZNO Na2O से रिएक्शन करके Na2 ZnO2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो Na2O क्या होता है, ये तो होता है बेसिक, जब ये बेसिक है और ये सॉल्ट है तो ये एसिड की जैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, और CO2 इस रिएक्शन में देखें तो CO2 तो क्या होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, और जब ये एसिडिक है तो ये किसकी जैसे बिहेव करेगा, बेस की जैसे। ठीक है, तो फर्स्ट वाली में एसिड की जैसे बिहेव कर रहा है और सेकंड वाली में बेस की जैसे बिहेव कर रहा है। तो एसिड और बेस, एसिड पहले लिखा हुआ होना चाहिए, बेस बाद में, नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ ZNO क्या है, एम्फोटिक, यानी कि उभयधर्मी है, इसलिए ये अलग अलग रिएक्शन में कभी एसिड की जैसे बिहेव कर रहा है और कभी बेस की जैसे बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट नंबर 13, द लैंथेनॉइड आयन दैट वुड शो कलर इज, मतलब लैंथेनॉइड में कौन सा जो आयन है वो कलर्ड होगा। तो देखिए इसमें Na3+ में जो है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, देखो Na, फिर आ गया आपके GD, फिर SM, और फिर क्या आ गया LU। तो LA का तो होता आपके जो है Na3+ कंडीशन में, इसका हो जाएगा 7S0 और 4F0 और 60 0। Gd3+ कंडीशन में आपके आ जाएगा 6S0 या 6S आएगा ना, 6S0, 4F7 और 5D0। SM जो है 3+ कंडीशन में आ गया आपके 6S2, 5D0 और 4F6, 6S0। ठीक है, और LU आपके आ गया 6S0, 4F14 और 5D0। तो यहाँ पर एक बात लग रही है वो ये है कि, मतलब मेन बेसिक क्या, वो मैं आपको बता दूँ कि F0 कंडीशन, F7 कंडीशन और F14 कंडीशन ये कहीं पर है
तो वो कलरलेस होगा, ये आईएमपी बात है। और F126 और F8213 वो सब कलर्ड होंगे, ठीक है। अच्छी तरह से इस बात को याद रख लेना। तो इसमें आपके जो है कलर जो आ रहा है, देखिए LA इसमें F0 होता है, GD में क्या होता है F7 होता है, LU में क्या होता है F14 होता है, इसमें F0 है, SM इसमें क्या होता है F6 है, तो ये क्या होगा कलर्ड होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट दैट इनकरेक्ट अबाउट द इंटरस्टीशियल कंपाउंड इज, ये पहले भी आ रखा है, दे आर वेरी हार्ड, बिल्कुल ठीक है, और दे हैव मेटालिक कंडक्टिविटी, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये भी बिल्कुल सही है। दे आर केमिकली रिएक्टिव, ये रहोगे तो यहाँ आपके आंसर आ गया 4। नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनॉइड्स आर शोन बाई, तो ये आपको ट्रिक बताई थी, क्या था, थोड़े एक्टिनॉइड्स हैं इसलिए थोड़े पापड़ यूं नपेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या आ रहा था, बताया था 4, 5, 6, 7, 7, ठीक है, फिर 6, फिर इधर 2 आ रहा था, ठीक है। तो हाईएस्ट क्या आ रहा है 7, NP एंड PU, तो आंसर आपके क्या आ जाएगा NP एंड PU। नेक्स्ट नंबर 36, कंसिडर द हाइड्रेटेड आयंस ऑफ Ti2+, V2+, Ti3+ एंड Sc3+, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दियर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि आपको बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो बोर मैग्नेटॉन जो है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के बेस पर निकालते हैं। तो देखिए अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है Ti में कितना होगा 2 होगा, Ti2+ में 2 होगा, फिर आपके V2+ में आ जाएगा 3, Ti3+ में क्या होगा 1 होगा, और Scandium-3+ में क्या होगा 0 होगा। तो हाईएस्ट है V2+, फिर Ti2+, फिर आपके Ti3+ और Sc3+, तो ये बैठा आपके नंबर 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के बेस पर अपन पता कर सकते हैं, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो एक फार्मूला बताया था आपको, μ=√NN+2, तो इसके अंदर ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू अपन रखेंगे तो बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी। और शॉर्टकट ट्रिक आपको बताई थी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन के बेस पर अपन पता कर सकते हैं, 1 है तो 1.9, 2 है तो 2.9, 3 है तो 3.9 और 4 है तो 4.9, ये पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ठीक है। नेक्स्ट 37, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज, तो यहाँ देखिए सीक्वेंस दे रखा है, जैसे अपन ने पढ़ा था स्टार, टीवी, कर, मन, फिकर, कोनी, ठीक है, क्योंकि हमारे घर क्या है जिंक टीवी, क्यों जन, तो अब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या क्या होता है, साइज क्या होता है डिक्रीज होगा, साइज क्यों डिक्रीज होगा क्योंकि ENC क्या होगा इंक्रीज होगा। अब साइज डिक्रीज होगा, ENC इंक्रीज होगा,
और यहाँ पर ये कह रहा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि इलेक्ट्रॉन हमको रिमूव करना है, तो साइज जब डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस के पास में होगा, न्यूक्लियस के पास होगा तो क्या हो गया, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो हमको एनर्जी ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी उसको आयन में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब आप देख लीजिए कि सबसे राइट में कौन है उसकी ज़्यादा होगी, सबसे लेफ्ट में कौन है उसकी कम होगी। तो इसका आपके सही आंसर जो है 4 होगा। नेक्स्ट 38, द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ए MN कंपाउंड X एट 513 केल्विन रिजल्ट्स इन कंपाउंड्स Y MnO2 एंड A गैसियस प्रोडक्ट MnO2 रिएक्ट विथ NaCl एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 टू गिव ए पंजेंट गैस जेड, आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड। क्लियर? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए कि KMnO4 को आपको जो है हीट करना है, ये हमने लिया KMnO4 को 513 केल्विन पर हीट करते हैं तो क्या बनता है, K2MnO4, साथ में क्या बनता है MnO2 प्लस क्या दे रखा है, एक गैस बनती है, गैस यानी O2। अब ये कह रहा है कि एक्स क्या हो गया, एक्स तो हो गया KMnO4, वाई क्या हो गया K2MnO4, और MnO2 जो है वो H2SO4 और NaCl की प्रेजेंस में एक पंजेंट गैस दे रहा है, यानी पंजेंट का मतलब होता है तीक्ष्ण गंध हमेशा किसकी होती है, क्लोरीन की। आपने क्लोराइड का टेस्ट प्रैक्टिकल में किया हो तो एक ऐसी गैस निकलती है, ऐसा लगता है जैसे नाक के अंदर किसी ने सुई चुभो दी हो, इतनी तेज़ होती है। ठीक है, जैसे ही आप टेस्ट ट्यूब को पास में ले जाओगे उससे भी डबल स्पीड में आपका मुंह पीछे जाएगा, तो समझ लो कि वो कौन सी गैस है, क्लोरीन गैस। ज़्यादा भी इनहेल नहीं करनी है, ऐसे भी पता कर सकते हैं कि यदि लैब में ये गैस निकल रही है, टेस्ट ट्यूब के पास में आप कलर्ड फ्लावर ले जाओगे तो वो कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास जेड क्या हो गया, Cl2, तो इसका आंसर ये सही है। नेक्स्ट, बस ये लास्ट पेज है और अपने 4 एपिसोड कंप्लीट हो जाएंगे। नंबर 39, द पेयर दैट हैज सिमिलर एटॉमिक रेडियाई का मतलब है कि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स मैच होने चाहिए। तो देखिए MoW तो बिल्कुल हमने पढ़ा था, CrMoW ये ठीक बैठ रहा है, MN और RE, MN तो फर्स्ट का है और RE क्या है, थर्ड का है। सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का होना चाहिए, TI फर्स्ट का है, HF ये भी नहीं है, स्कैंडियम और निकल ये तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का ही है, तो ये फर्स्ट वाला सही बैठ रहा है। देखो इसमें सिमिलर रेडियाई क्यों है, लेंथ नाइट कॉन्ट्रेक्शन की वजह से इनकी सिमिलर रेडियाई होती है, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की जो है ऑलमोस्ट इक्वल रेडियाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट 41, द एलिमेंट दैट यूजली डजंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये आपके स्कैंडियम हो जाएगा। नेक्स्ट 42, लास्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। देखिए एटॉमिक रेडियाई के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं,
इसमें एटॉमिक रेडियाई का सिंपल सा फंडा है कि लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई मीन्स साइज़, तो ई एन सी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, ई एन सी इंक्रीज़ होगा तो साइज़ क्या होगा, साइज़ डिक्रीज़ होगा। अब साइज़ डिक्रीज़ हो रहा तो सिंपल सी चीज़ है कि एटॉमिक रेडियाई भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो अब हम इनमें से देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा राइट में कौन है, ठीक है, राइट में जो होगा उसका साइज़ क्या कम होगा और उसकी एटॉमिक रेडियाई भी क्या होगी, कम होगी। तो इस हिसाब से आप पीरियोडिक टेबल यदि आपको लर्न कर रखी है तो राइट ही राइट में कौन है वो तो हो जाएगा स्मॉल, और जो लेफ्ट में है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा उससे बिग हो जाएगा। तो देखिए एन नाइट्रोजन इस क्वेश्चन में आ रखा, नाइट्रोजन तो क्या है, पी ब्लॉक में है, ठीक है। फिर आपको याद हो तो सीरियम पहला आता है, फिर यूरोपियम, होलियम, फिर ये नाइट्रोजन। इसका मतलब इसमें आंसर ये फर्स्ट वाला ही सही है। तो देखिए बच्चों, अपने आईएमपी क्वेश्चंस के चार पार्ट कंप्लीट हुए हैं और इन क्वेश्चंस को आप सही ढंग से रीड करोगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम में आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होंगे। थैंक्स।